मध्य प्रदेश में लगातार जनता दोनों सरकारों से त्रस्त हो चुकी है। जनता मजबूर है और तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपने समान विचारधारा वाले दलों के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी ने लोकनायक जयप्रकाश जी के साथ मिलकर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसके आधार पर जनता पार्टी का जन्म हुआ है। उसी से बिखर कर अन्य बहुत सारे दलों का जन्म हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, लेकिन आज उनके आदर्शों और मूल्यों को पूरी तरह भुला दिया गया है। देश भर में 10,000 कार्यकर्ताओं ने श्री जयप्रकाश जी के आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के बिना इन राज्यों में सरकार नहीं बनेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया ने पत्रकारों से चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट। सबकी निगाहें उनको बोल दो ना, सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। कोई भी इशू होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हिटलर है, लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास चलेगा, तो ये अनावश्यक सुप्रीम कोर्ट पर दबाव नहीं हो रहा है एक्सेस? नहीं, दबाव तो नहीं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ज्वलंत है, जीवंत है, जागृत है, गूंगा बहरा नहीं है। हमारा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बसा हुआ है। लोग विश्वास करते हैं आने के लिए वहाँ कोई, लेकिन सरकारों को ध्यान रखना चाहिए, केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि अनावश्यक ऐसे विषय ना हों जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़े। उससे काम भी प्रभावित होता है और जो लिटिगेंट हैं उनको डिले होती है इन्हीं मामलों में। जैसे अभी पिछले दिनों 12-14 दिन सेम सेक्स मैरिज को लेकर कितने दिन चलता रहा मामला, जबकि उसकी कोई महत्वता नहीं थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी चलाया गया। कई मामले हुए, लेकिन राहत भी मिली। किसान आंदोलन में सरकार ने कानून बना दिए थे, हमने किसान की तरफ से केस लड़ा और किसानों को जीत दिलाई। 3 दिन लगातार बहस हुई और उन कानूनों पर स्टे लगा और बाद में मोदी जी ने उनको रिपील भी कर लिया, वापस भी ले लिया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ज्वलंत है, जीवंत है, जागृत है, गूंगी नहीं है, बहरी नहीं है। देखे, जहां जरूरत हो वहां समझे, वहां करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 28-30 दलों का एक इंडिया बना है, क्या 2024 की संभावना देखते हैं आप? एक बताओ, वकील या लॉयर या एक आम आदमी निगाह में आप क्या देखते हैं सिनेरियो क्या 2024? देखिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। सभी कहते हैं विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पर अंकुश बना रहेगा, सत्ता को निरंकुश नहीं हो पाएगी। इसलिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए और ये जनता भगवान है, लोकतंत्र है, जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी विपक्ष जितना अधिक मजबूत रहेगा उतना ही संविधान जीवंत रहेगा, उतना ही लोकतंत्र जिंदा रहेगा और उतना ही देश की भलाई, लोगों की भलाई हो पाएगी, आम जनता का हित हो पाएगा। सर, आप पार्टी के विषय बता दीजिए। मैं उस इश्यू पर बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं औपचारिक रूप से बात करना चाह रहा हूँ कि क्या कोई देश का आदमी, यदि मैं अजीज खान और मैं यदि पाकिस्तान चला गया और वहाँ की मैंने नागरिकता ले ली, तो क्या मैं गुनाहगार हूँ क्या? नहीं। तो ये इशू को आप राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरीके से सीमा के मामले को राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज किया गया है, मानो कोई धरती फट गई हो। यही तो बात लाया था सर आप। अभी मैंने आंकड़े दिए थे आपको अक्षय कुमार ने, अभी 15 अगस्त 2023 को भारत की नागरिकता ली, कैनेडियन नागरिक थे, उनके पर सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन एक गरीब गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम के परिवार जो बेसहारा बन के यहाँ आई और उसको फिर अतिथि देवो भव का हमारा नारा है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया हम बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ कल्याण, सबका न्याय होना चाहिए, तो सीमा के साथ भी न्याय हो, जांच हो जाए। जांच होने के बाद अगर वो दोषी पाई जाए अलग बात, अगर जो नहीं स्पाई है, नहीं जासूस है, नहीं आतंकवादी है, तो भारत में जैसे इस देश में अन्य लोग भी रहे हैं, वो लोग रहें, वो भी रहे और उसके बच्चों का पालन पोषण हो और यहाँ मिले, सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसको ये अवसर भी मिले। अभी उसने सारे 30 त्यौहार मनाए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अपनाया है, तो इसके माध्यम से उसको भी स्वीकार किया जाए और देश में माना जाए। कई गंभीर मामलों पर लगवाओ फटाफट। अच्छा, भारतीय पार्टी का नाम है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, हम सभी मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारे खिड़की और दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अभी हमारे बहुत सारे छोटे छोटे दलों से बातचीत हो चुकी है, हमारे साथ छोटे छोटे दल आ चुके हैं, जिसमें कि अभी
वर्तमान में एक पूर्व IAS ने दल बनाया, उनसे भी हमारी बात हो गई है। एक बहुत बड़े स्वामी जी हैं, उन्होंने एक दल बना रखा है, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है। और एक कुछ BJP के भी बड़े लोग हैं, बड़े चेहरे हैं और वर्तमान में विधायक है, उनसे भी हमारी बात हो गई है, वो भी साथ में आ रहा है और उनका भी एक बड़ा दल उन्होंने तैयार कर लिया है बिंद में। इस तरह से क्षेत्र में जहाँ जहाँ, क्योंकि मध्य भारत जो है और भारत में खास करके मध्य प्रदेश, यहाँ के विषय में कहा गया है कोस कोस पर बदले पानी, हर तीन कोस पर पानी, तो अलग अलग जिले वाइज अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी हर जिले वाइज उनकी अलग अलग समस्याओं को अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार करेगी। होता क्या है कि पार्टियां एक मैनिफेस्टो तैयार कर लेती है और उस पर काम नहीं हो पाता। आज आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा इस जगह गौ माता प्रताड़ित होती है, जिस पर की बात करते हैं आप, हिंदू तत्व की बात करती है कोई पार्टी, जो कि जैसे उन्होंने कहा कि मुझे ऑब्जेक्शन है, आप अपने हम अपने विषय पे करा रहे हैं, विषय से भटकने की कोई बात नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, जिनको आपको जागरूक होना है कि क्या कहा जा रहा है और हम क्या चाहते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चूंकि ये चुनाव जो है भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, इसके जो सदस्य है, इसके जो लोग हैं, ये जनमानस से उभरे हुए लोग हैं। हमारे पास, चूंकि मैं इस देश का बहुत बड़ा सोशल वर्कर रहा, एकमात्र व्यक्ति हूँ, जब एक समय मंदिर मस्जिद का विवाद के नाम की चीज़ थी, तब मैंने पूरे भारत में रेल यात्रा की थी, सद्भावना रेल यात्रा, इस हिंदुस्तान में अकेला व्यक्ति था जिसने ट्रेन बना के पूरे भारत में यात्रा की थी उस छोटी सी उम्र में। तो मेरे पास कम से कम 10,000 उन लोगों के जो बहुत प्रतिष्ठित है, जो अपने अपने क्षेत्र में, उन लोगों के पत्र है, पत्र आए कि एक इकट्ठा ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हो। पिछली बार भी हमने ये एक प्रयोग किया था, एक राग बना करके, और उस राग, राग का मतलब था राष्ट्रीय गठबंधन, और राष्ट्रीय गठबंधन ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान की सरकार को, सरकार में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को बदल दिया था। आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी।